हरे कृष्णा एवरीवन। आज हम नदियाँ देख रहे हैं। कौन कौन सी नदियाँ? तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी। टोटल मुझे नहीं पता कितने मिनट्स लग सकते हैं ना। ऐसे अगर 1 घंटा में अगर कृष्णा, गोदावरी, कावेरी हो जाता है तो नर्मदा तापी भी 1 घंटा में हो जाएगा। 1 घंटा के 20 मिनट, 25 मिनट में हो जाएगा, है ना। पर कोशिश करते हैं कि 2 वीडियो बना दे, आधा आधा घंटे का करके, है ना, ताकि और शॉर्ट में ही पार कर दें, है ना। कुछ कुछ जैसे जो काम का नहीं है तो उसको छोड़ देते हैं। कितना नदियाँ पढ़ेंगे? इतने सारे तो पढ़ लिए अभी तक, तो ठीक है। और जो नदियाँ रह जाएंगी उनका नाम है गंगा। पूरा गंगा सिस्टम रह जाएगा, पूरा इंडस सिस्टम रह जाएगा, पूरा ब्रह्मपुत्र सिस्टम रह जाएगा। गोदावरी सिस्टम करा रहे हैं, कृष्णा का सिस्टम करा रहे हैं, कावेरी सिस्टम करा रहे हैं, नर्मदा, तापी, ये सबको एक तरीके से लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसे एग्जैक्टली लोकेशन की बात करें तो हमने बताया है कि कहाँ से कौन सा नदी शुरू हो रहा है। जैसे गोदावरी की मैंने बताया है कि ठीक है, यहाँ से शुरू हो रहा है, त्रिम्बक से और अजंता वगैरह रीजन से जा रहा है ना। कृष्णा की महाबलेश्वर से शुरू हो रहा है और फिर बे ऑफ बंगाल में जा रहा है। कावेरी की भी हमने बताया, नर्मदा की, तापी की हमने बताया। जब विद्या और सतपुरा पढ़ा रहा था तो नर्मदा और तापी दोनों बताया था कि इसका ओरिजिन कहाँ से होता है और किस डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। प्लेट्यू में टोटल एक्सप्लेनेशन बताया है कि कौन सी नदियाँ वैली बना रही हैं, कौन सी नदियाँ गोर्ज बना रही है ना। अब हम इसको एक एक करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। जब वैली क्या होता है तो खाड़ी, गोर्ज भी खाड़ी कहीं एक टाइप है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले स्लाइड पे। इस फोटो को करते हैं छोटा और एक एक करके सारे नदियों को देखने की कोशिश करते हैं ना। तो ये इसको छोटा कर देते हैं। सबसे पहली बात हमें ये बताएं कि आपको शायद मैप दिख रहा होगा, और अगर ये मैप दिख रहा है तो ये मेरे हाथ का शायद उपयोग आ सकते हैं। हाँ, आ तो रहा है। तो मैं कुछ चीज़ें पहले बता देता हूँ, सॉरी। मुझे लगता है कि मैं ऐसे ही अपने ही रूम में बैठा हुआ हूँ तो आदत ख़राब है ना, इसको बोलते हैं बैड हैबिट्स। ये जो मैंने लिखा है ये कौन सा राज्य में है ये बता दे बस। और ये जो बी मैंने लिखा है ये कौन सा राज्य में है ये बता दिया जाए। और थोड़ा छोटा इसको कर देता हूँ। ये मैंने सी लिखा है ये कौन से राज्य में है, और ये डी बता दीजिए कि ये कौन सा राज्य में है। बाकी इसको इतना पहले रहने देता हूँ, अन्यथा फिर अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो ए बी सी डी आपको दिख रहा होगा, इन सब का राज्य बताना है आपको। ये ई है, ई फॉर एप्पल है। ई फॉर एप्पल कब से होने लगा मास्टर साहब? अरे छोड़ो, ई फॉर एप्पल ना है भाई, ई फॉर एलिफेंट है। एलिफेंट बड़ा है ना, दिख नहीं रही है क्या? और ये है एफ, ये है सिक्स, ये इसको 36 कर लो, 36। अरे हाँ, ये तो 36 घड़ी ही लग रही है। हाँ वही है, वही। तो आप पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं, तो दोनों। ये है ओडिशा का, इसको ओ कर देते हैं, ये ओ है, जीरो ना है, हम तो जीरो ही बोलेंगे। अच्छा, ये एम कर देते हैं, और ये जो भी जी लगे साथ से साथ में लगा लेना, मामा जी, फूफा जी, अंकल जी, पापा जी, जो भी है ना। तो ये जी है, ठीक है। अब आपको बताना है कि हमने जिसमें ई लिखा है ये वाला, ये कौन सा राज्य है ये बताना है बस। ये कौन सा राज्य है? नहीं पता है? अच्छा ठीक है, आपको पता है, कोई बात नहीं। तो आपको नहीं पता है तो आप इसको लिखिए, ई फोर एग, नहीं, महाराष्ट्र है ये। क्या नाम है इसका? महाराष्ट्र है। इसका बॉर्डर देखिए, महाराष्ट्र का इधर अरब सागर में जा रहा है ना। ऐसे ऐसे बॉर्डर बन रहा है। ये कर्नाटक को टच कर रहा है, तेलंगाना को टच कर रहा है, फिर छत्तीसगढ़ को टच कर रहा है, उड़ीसा को टच नहीं कर रहा है ना, और ये मध्य प्रदेश को टच कर रहा है, गुजरात को टच कर रहा है ना। तो ये है महाराष्ट्र। ओके जी, ये महाराष्ट्र है, ये तो हमें दिख गया। अब आगे बताइए। हाँ, तो ये बताइए कि ये एफ वाला जो लिखा हुआ है,
ये कौन सा राज्य है? अरे ये तो हमें पता है, ये तमिलनाडु है। नहीं जी, ये तमिलनाडु नहीं है, ये है तेलंगाना। तेलंगाना किस किस से बॉर्डर शेयर कर रहा है? तो ये है कर्नाटक। अरे सर हमने तेलंगाना ही बोला था, तमिलनाडु नहीं बोला। ठीक है आपका, ठीक है, दो तीन बच्चों का गलत है, कोई बात नहीं। तो ये है कर्नाटक से बॉर्डर शेयर कर रहा है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से कर रहा है, यहाँ 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 तक कर रहा है। आपको कैसे पता चल जाता है? फ़ोन पे ही सुन लेते हैं क्या? हाँ, महाराष्ट्र से शेयर कर रहा है, ठीक है, छत्तीसगढ़ से शेयर कर रहा है, उड़ीसा से बॉर्डर शेयर ये तो नहीं कर रही है। हाँ नहीं कर रहा है। अरे किसी को लग रही है कि ये बॉर्डर शेयर कर रहा है उड़ीसा और तेलंगाना? नहीं जी, तो छत्तीसगढ़ से कर रहा है ना, महाराष्ट्र से कर रहा है, कर्नाटक से, आंध्र से कर रहा है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि उड़ीसा भी तेलंगाना से बॉर्डर नहीं शेयर करेगा? ये उड़ीसा भी तेलंगाना से बॉर्डर शेयर नहीं करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। मतलब आप कह रहे हैं कि तेलंगाना उड़ीसा से बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा है, इसलिए उड़ीसा भी तेलंगाना से बॉर्डर नहीं शेयर कर रहा है। कंफ्यूज मत कीजिए, एक ही बात को घुमा घुमा करके बोल देते हैं तीन चार तरीके से। ये है उड़ीसा, उड़ीसा छत्तीसगढ़ से बॉर्डर शेयर कर रहा है जी, आंध्र प्रदेश से कर रहा है, ये अरब सागर से बॉर्डर शेयर कर रहा है क्या? ये अरब सागर है क्या? देखो तो, देखो जरा, ये कौन सा ये सी है, ये कौन सा सी है? ये तो बे ऑफ बंगाल है, हमको पता है। बे ऑफ बंगाल क्या होता है? बंगाल की खाड़ी, आपको भी ना पता है क्या? अरे पता है पता है, चलो ऐसे ही मजाक कर रहा था। तो ये बंगाल की खाड़ी से बॉर्डर शेयर करता है, बॉर्डर मतलब सीमा रेखा है ना, सीमा और रेखा। मैं किसी लड़की का नाम नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि ये सीमा जो साझा करता है ये बे ऑफ बंगाल से करता है, ठीक है। उसके बाद ये कौन सा राज्य है? डी वाला बताएं, डी वाला कौन सा राज्य है? ये जो डी है ये कौन सा राज्य है? डी यहाँ से ऐसे ऐसे है, देख लो मैं बना के बता देता हूँ, ये डी है। अच्छा ये डी है क्या? हाँ, ये कौन सा राज्य है ये बताओ, डी नहीं है। अरे सर अभी याद था, अभी भूल गया, अभी आप तीन चार बार पूछ दिए ना तो भूल ही गया, अन्यथा याद ही था। देखिए ये बिहार है, ए बिहार ना, ये फिर से सोच के बताओ। आंध्रा है, आंध्रा मैं बोल रहा हूँ, ठीक है आ जाओ इधर, ये सच में आंध्र प्रदेश ही है, और ये आंध्र प्रदेश उड़ीसा से सीमा साझा करता है, छत्तीसगढ़ से कर रहा है, देख लो यहाँ पे। अरे कहाँ दिख रही है यहाँ, अब तो वहाँ पे इतना भूकर दिए कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ले लुंडा ये क्या कर दी, पीछे आ जाओ पीछे आ जाओ, टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक, सब मिटा देता हूँ मैं एक एक करके, ताकि देखने लगे कि कौन सा किससे सीमा साझा कर रहा है नहीं कर रहा। बस तेलंगाना वाला ही मिटाने रह गया, देख लो अब देखो आ गया। यहाँ से ऐसे इस तरीके से, ये आप पता नहीं कौन सा पेन इस्तेमाल करते, कुछ भी नहीं दिखता है। तो यहाँ से बॉर्डर शेयर कर रहा है छत्तीसगढ़ से आंध्र प्रदेश, ठीक है, कर्नाटक से कर रहा है, तेलंगाना से कर रहा है, तमिलनाडु से कर रहा है। क्या आंध्र प्रदेश केरल से बॉर्डर शेयर करेगा क्या? केरल से सीमा साझा करेगा क्या? नहीं करेगा, यहीं से मुड़ जाता है ये तो, यहीं से मुड़ जाता है, और केरल तो यहीं से मुड़ जाता है, केरल तो ऐसे 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 आता है गांव। मतलब आंध्र प्रदेश और केरल बॉर्डर शेयर नहीं करेंगे? अरे नहीं करेंगे ना मास्टर। ओके तो जब नीलगिरी यहाँ पे है ना, और पापीकुंडा यहाँ पे है, तो क्या नीलगिरी में पापीकुंडा शेयर करेगा क्या? क्या बात करते हैं, इतना दूर कैसे करेगा? ओके ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दुख की बात नहीं है, चलो वापस मिटा देता हूँ इसको। नाउ ये कौन सा राज्य है? ये तो किसी को भी नहीं पता होगा, कस देख लेना। ये है गोवा, गोवा है यहाँ पे, छोटा वाला जो है गोवा है, चुज्जू सा है, नन्ना मन्ना है, पर अच्छा है ना, सुंदर है, स्वीट है। अरे सर आपको भी स्वीट दिखने लगा क्या? इधर आओ। ये है, इस राज्य को बोलते हैं कर्नाटक। क्या सर नाटक करने के लिए बोल रहे हो उसे? अरे नहीं, नाम है नाम, कर्नाटक। अच्छा नाटक है ये, नहीं नाटक नहीं है, कर्नाटक है, और इसको बोल रहे हैं सी से कर्नाटक। और ये है बी फॉर केरला, ए फॉर तमिलनाडु। देख लो कर्नाटक कहाँ कहाँ सीमा साझा कर रहा है, देख लो। कर्नाटक को मत ले जाना छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में बॉर्डर शेयर करवा देना, बोले हमको मौज आ रहा था।
ओके, सॉरी सॉरी, एक तो कैसे भी करके पा रही होगा ना, वही तो ना। नाउ अब चलते हैं आगे। ये हमने देख लिया, ये कि यहाँ तक मैप है। हम आज यहाँ की नदियों को एक एक करके तोड़ने फोड़ने वाले हैं। ये है झारखंड, आप ऊपर दिखाई दीजिए ना, झारखंड कहाँ पे है। हेलो, ना दिखाई देता हूँ लोग। ये है झारखंड, ये है झारखंड, ये है, ये कौन सा राज्य है? ये एम और पी क्या लिख दिए हैं? इसका नाम ही है एम और पी, एमपी, मध्य प्रदेश, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गुजरात है ना। ये गुजरात, ठीक है, तो ये झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो आप कहना चाह रहे हैं कि झारखंड और मध्य प्रदेश सीमा साझा नहीं करते हैं? नहीं करते हैं, देख लो, छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश के जा करके बोल रही है। हाउ यू? ओके, तो ऐसा बात है, तो छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश सीमा साझा कर रहे हैं, इसलिए झारखंड और मध्य प्रदेश नहीं कर रहे। हाँ, इसीलिए नहीं कर रहे, अन्यथा ये नहीं करता ना, तो ये दोनों करते है ना। ओके, गुस्सा मत होया करिए सर। नाउ ये छत्तीसगढ़ लिखा हुआ ऊपर और ये उड़ीसा लिखा हुआ, एक एक करके सबको देखते हैं। वैसे पहाड़ में अलग से पहाड़ करा दूंगा, डोंट वरी, लेकिन फ़िलहाल में एक दो देख लेना है ना। और ये लाइन से लिखना शुरू करो, तीन चार कॉलम बनाओ। मैं जब बोलूँगा कि ये ईस्टर्न घाट की नदियाँ हैं, तो इसको ईस्टर्न घाट में क्रोनोलॉजी वाइज सजा देना। जैसे नागवती को पहले सजाना, फिर सरदा को सजाना, फिर गोदावरी को सजाना है ना, ठीक है। तो आराम आराम से रुक रुक के वीडियो को और एक एक करके लिखना है। सबसे पहली बात ये है छत्तीसगढ़ वाला रीजन, तो छत्तीसगढ़ वाला रीजन दिख रहा है यहाँ ऐसे ऐसे। और ये है उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के बगल में भी उड़ीसा था, हाँ था। तो अभी के लिए सबसे नॉर्थ में लिखो कि ये वंशधारा रिवर है। अभी के लिए कह रहे हैं मतलब इसके ऊपर और भी है ना, है क्या? हाँ, पढ़ाया तो था, कल दामोदर था, सुवर्णरेखा था, और महानदी था, और बहुत सारे थे, चार पांच थे है ना। इन क्या था, ब्राह्मणी था, बैतरणी था, नॉर्थ कोयल, साउथ कोयल है ना, था ना। नाउ तो सबसे पहले लिखो कि वंशधारा रिवर है सबसे नॉर्थ में, महेंद्रगिरी के आसपास से ओरिजिन है इसका। महेंद्रगिरी के आसपास से ओरिजिन नहीं है, महेंद्रगिरी सबसे साउथ में, लेकिन इसके पैरेलल में है ना। ओके, हाँ ये तो दिख रहा है। कोई लेक वेक में वंशधारा नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है। कोई लेक में जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। कोई डैम है क्या इस पर? नहीं है। नाव दूसरे नदी का नाम लिखो, उसी में सेम ईस्टर्न घाट वाले लिख रहे हैं हम। क्या लिख रहे हैं? नदन सरकार वाले रीजन में लिख रहे हैं कि नदन सरकार वाले में कौन सा नदी आ रहा है। तो एक ऐसे चीना खींचो, उसमें लिखो कि ये नदन सरकार है सबसे पहला नदी, तो वंशधारा इसके ऊपर और छोड़ देना। दूसरा नदी नागवती, दूसरा नदी नागवती, पहला नाम वंशधारा। तो वन लिखो ऐसे, वन लिखो VANSHADHARA वंशधारा। दूसरा दूसरा लिखो ऐसे, और फिर लिखो NAG VATI नागवती, ठीक है। तो दो नदियाँ हो गए ना नदन सरकार के आसपास। अभी उत्कल प्लेन में नहीं गया मैं, नदन सरकार में ही है। तो ये नागवती हो गया, वंशधारा हो गया पहला, दूसरा नागवती हो गया नाव। अच्छा, ये उड़ीसा में शुरू होकर के आंध्रा में जा रहे हैं ना दोनों, वंशधारा भी और नागवती भी। तो ओ और ए लिख देना एक साथ में, ओ और ए दोनों में है ना। अब शारदा का लिखो, शारदा तीसरी नदी है शारदा, और ये अरोया कोंडा के आसपास से शुरू हो रहा है। कल मैंने बताया था माउंटेन सिस्टम में अरमा कोंडा एंड अरोया कोंडा, तो ये दोनों याद होना चाहिए था। और ये दोनों कोंडा कहाँ है? तो एनाकोंडा, सब आंध्र प्रदेश में, ठीक है। पालकोंडा, वैली कोंडा, नल्ला मल्ला, ये सब आंध्र प्रदेश में। अरे सर, ये सब क्या बोल रहे हैं? अभी बताएंगे बताएंगे क्या बोल रहे हैं। पालकोंडा, अरमा कोंडा, रोया कोंडा, नल्ला मल्ला, ये सब माउंटेन्स हैं और ये आंध्र प्रदेश के हैं। तो हम तीन नदियाँ लिख चुके हैं, एक का नाम है वंशधारा, दूसरे का नाम है नागवती, तीसरे का नाम है शारदा।
हाँ तीन तो हो गए हमारे, अब आता है गोदावरी। ठीक है, क्या आता है? गोदावरी। अब गोदावरी के लिए अलग पेज बना लो। जब बोलेंगे गोदावरी का राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, तो ऐसे चीना खींचना और उसमें राइट में लगा देना। राइट मतलब राइट में किधर से लगाना, देखो ये ऐसे चीना है, ये गोदावरी, यहाँ पे लिख दो ये पेज पे ऊपर की गो दावरी, दूसरे पेज पे लिख दो कृष्णा, दोनों सामने सामने लिखना, मतलब ऐसे वाले पेज पे, खुले वाले पेज पे, एक पे गोदावरी एक पे कृष्णा, है ना। पीछे वाले पेज पे लिख दो ये ईस्टर्न नदियाँ, और इसके पीछे वाले पे लिख दो कावेरी। ठीक है, अब चलते हैं गोदावरी में। तो गोदावरी में जो सबसे नज़दीक नदी गोदावरी को टच करती है, उसका नाम है, उसका नाम क्या है? सिलेरु। क्या नाम है? सिलेरु। अब जैसे कि ये गोदावरी का आपने चिन्ह लाइन खींचा है, इसको थोड़ा और मोटा कर देता हूँ। और ये ग्रीन तो नहीं, वाइट लेता हूँ। जैसे ही आपने गोदावरी का ये लाइन खींचा है एक, ठीक है, यहाँ से ऐसे खींच दिया, तो इसमें पहला नाम ऐसे लाइन ऐसे खींचो और यहाँ पे लिखो सिलेरु। ये है सिलेरु, SILERU, सिलेरु। ठीक है, दूसरे का नाम लिखो बली मेला। क्या लिखना है? बली मेला। ठीक है, हो गया बली मेला। बली मेला कहाँ से आ रहा है? तो बली मेला रिजर्वायर से। बली मेला कहाँ से आ रहा है? तो बली मेला रिजर्वायर से। यहाँ पे RES भी लिख देना, River/Reservoir, मतलब रिजर्वायर मतलब जिसमें पानी इकट्ठा करते हैं ना, बांध समझ में आता है, डैम। तो RES भी लिख देना, R/R। ठीक है, मतलब रिवर भी है और इसी के रिजर्वायर से आ रही है। अगर जिसका रिजर्वायर अलग होगा तो उसमें ब्रैकेट डलवा के लिखवाऊंगा कि इसका रिजर्वायर से आ रहा है। जैसे तुंगभद्रा रिवर, तो तुंगभद्रा रिजर्वायर से आता है, तो ये कृष्णा का ट्रिब्यूटरी है, तो इस तरीके से। ठीक है, नाउ सेम इसी लाइन में यहाँ पे लिखना अब कि तुलासी। ठीक है, तुलासी पिक है। क्या है? तुलासी पिक है, चोटी है। ये देखो यहाँ पे है ना तुलसी, उसके नीचे लिखो कि तुलसी कहाँ से आ रहा है। तो ये तुलसी के आसपास से सबरी आ रहा है। क्या रहा है? SABARI, सबरी। तो ये गोदावरी हो गया। कौन सा नदी है ये? गोदावरी है। इसमें इसमें क्या रहा है? ये सिलेरु। क्या रहा है? सिलेरु, सिलेरु, बली मेला, बली मेला, सिलेरु, सबरी, है ना? ठीक है कि नहीं है? तो बली मेला सबरियन सिलेरु, बली मेला सबरियन सिलेरु, देखो नीचे आकर के मिल रहा है, इसलिए नीचे इसको लिख रहे हैं। सबसे ऊपर बली मेला सबरी एंड सिलेरु। अरे हाँ, ये तो ठीक है कि बली मेला सबरी एंड सिलेरु आकर के मिल रहा है। तो ये किसके ट्रिब्यूटरी है? तो ये गोदावरी के हैं। क्या नाम है? तो बली मेला सबरी एंड सिलेरु। अच्छा, ये तो बली मेला सबरी एंड सिलेरु जो है गोदावरी के ट्रिब्यूटरी हैं। तो सबसे पहली बात बताऊँ कि बली मेला सबरी और सिलेरु किसके ट्रिब्यूटरी हैं? गोदावरी के। ये 4 बार 5 बार क्यों बोल दिए कि चीज़ को? मैंने बली मेला सबरी और सिलेरु को 3 बार 4 बार इसलिए बोला ताकि आपको बली मेला सबरी और सिलेरु याद रह जाए। ठीक है, तो मुझे क्या याद करवाना है? बली मेला सबरी एंड सिलेरु। अच्छा, तो आपको बली मेला सबरी और सिलेरु याद करवाना है जो कि गोदावरी में जाता है, यही है ना? हाँ, मुझे बली मेला सबरी और सिलेरु याद करवाना है जो कि गोदावरी में जाता है। ये पहला स्ट्रीम है, इसके बाद और 10 आएंगे, है ना? तो एक याद करवाया हूँ अभी कि बली मेला सबरी और सिलेरु कहाँ जाता है, तो गोदावरी में जाता है। कोई रिजर्वायर है क्या? हाँ, तो बली मेला रिजर्वायर है, मैंने दिखाया है। ओके, इसके नज़दीक जो पीक है उसका नाम कोई बता सकते हैं क्या? हाँ, तो तुलसी है और बेला डीला है। ये बेला डीला कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में। तुलसी कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में। अच्छा, तो दोनों छत्तीसगढ़ में हैं क्या? ओके ओके, आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड। नहीं, यू मस्ट अंडरस्टैंड, है नाउ। अब एक और लाइन खींचते हैं। ये हुआ गोदावरी नदी, पहले इसको देख लेते हैं ना, पहले इसको देखते हैं क्या ये तो है। वंश धारा, वंश
नागवती, वंशधारा नागवती, शारदा एंड गोदावरी। मतलब सबसे पहला वंशधारा नागवती शारदा एंड गोदावरी, वंशधारा नागवती शारदा एंड गोदावरी। ये उड़ीसा आंध्र प्रदेश, ये उड़ीसा आंध्र प्रदेश, ये सिर्फ आंध्र प्रदेश, ये महाराष्ट्र तेलंगाना उड़ीसा आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। और ये कुछ कुछ कर्नाटक में भी जाएगा, चिंता नोट, पर देखते हैं जाएगा कि नहीं जाएगा, है ना। अब गोदावरी में सबसे पहला स्ट्रीम लिख लिए, बलिमेला सबरियन सिलेरू। थोड़ा लंबा जाएगा वीडियो, है ना, थोड़ा मैनेज कर लेना प्लीज़, क्योंकि नदी है, याद करना मुश्किल हो जाता है। बलिमेला सबरी एंड सिलेरू, बलिमेला सबरियन सिलेरू, बलिमेला सबरियन सिलेरू। जोर से बोलो, बलिमेला सबरी एंड सिलेरू। पड़ोसी को पता चल जाना चाहिए कि कुछ कुछ तो चल रहा है घर में। ये बली मेला क्या है, सबरी क्या है, सिलेरू क्या है। जोर से चिल्ला के बोलना कि बली मेला सबरी एंड सिलेरू। बोले कहाँ मेला लगा है। अरे कहीं मेला वाला नहीं लगा है, बस ऐसे ही, मतलब झटके आ रहे हैं पढ़ने के। तो ये है बली मेला सबरी एंड सिलेरू, सबरी एंड सिलेरू। ये है बली मेला सिलेरू सबरी, ठीक है। तो बली मेला सबरी एंड सिलेरू याद रखना। नाव एक और चिन्ह खींचो इसमें, ऐसे ऐसे करके खींच दो, ऐसे ऐसे करके खींच दो। यहाँ पे लिख दो इंद्रावती, ये क्या है, इंद्रावती क्या है, ये इंद्रावती। बलि मेला है क्या, नहीं, बलि मेला सबरी एंड सिलेरू तो यहाँ है, तो ये क्या है, इंद्रावती है, क्या है, इंद्रावती। चलो खींचो, लिख दिए इंद्रावती लिखे, अरे लिखे क्या, हाँ या ना बोलो तो। हाँ लिख दिए, यस सर, ओके सर, बिल्कुल। तो ये लो, ये है इंद्रावती, और यहाँ से लिखो ये है नारंगी, क्या है, नारंगी। अरे सर, नारंगी और इंद्रावती दोनों सेट ही नहीं हो रहा है, देखो मैं बताता हूँ कैसे सेट होगा। इंदिरा समझ में आता है, इंदिरा जिसमें पानी रखते हैं, हाँ वो तो समझ में आता है, उसका पानी नारंगी रंग का हो गया, नारंगी कैसा होता है ये तो हमें ही नहीं पता। रुको रुको बताता हूँ बताता हूँ। तो इंद्रावती पहले तो बना लूँ, उजला तो बना लूँ पहले, तो पूरा ही मिटा दीजिए ना इसको, इंदिरा जैसा बनाइए वाइट एकदम। हाँ ये लो, ये टोटल वाइट है, ये रहा इंद्रावती, ठीक है, और नारंगी, और ये रहा नारंगी। अरे हाँ ये तो नारंगी दिख रही है इधर, वाह म्यूजिक, नाचो, चलो चलो नाचो नाचो जल्दी नाचो। अब इसको थोड़ा इधर कर देता हूँ ताकि मैं भी इधर दिखते रहूँ, तो थोड़ा अच्छा लगता है मुझे। तो ये इंद्रावती हो गया और नारंगी हो गया, और कुछ है क्या। हाँ है तो बहुत सारा, लेकिन मुझे देखना पड़ेगा कि काम का कौन सा है। तो ये बंदिया रिवर है, ये काम का नहीं है, पर फिर भी इंद्रावती में आकर के मिल जाता है बंदिया, ठीक है। तो बंदिया याद रखना। कोटरी रिवर है, बंदिया के नीचे कोटरी है, ये भी आकर के इंद्रावती में मिल जाता है, ठीक है। और ये जो प्लेट्यू है जहाँ से नारंगी इंद्रावती ये सब शुरू होता है, इसका नाम है दंडकारण्य प्लेट्यू। तो लिख लो इसके ऊपर, ये दो दूसरा वाइट वाला ये है ना, वाइट वाला और ऑरेंज वाला, मतलब इंद्रावती और नारंगी, यहाँ पे लिखो कि दंडकारण्य प्लेट्यू से शुरू होता है ये। कौन सा प्लेट्यू है, तो दंडकारण्य, और दंडकारण्य कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में, सीएच लिख देना, छत्तीसगढ़ को सीएच या 36 ही लिख देना ऐसे, 36 ना। तो ये इंद्रावती हो गया, ठीक है, और ये सब आकर के गोदावरी में मिल रहे हैं। कोई परेशानी है, अरे तो आपने बोला कि गोदावरी तेलंगाना में जाता है, तो ये तो हमें दिखा ही नहीं, अभी और दिखाता हूँ दिखाता हूँ, पहले इतना तो लिखो। ओके रुक जाइए, और तो बताइए, इतना ही हो गया क्या, नहीं इतना ही नहीं हुआ, पहले अब वापस चलते हैं वंशधारा में चलते हैं, फिर वापस आएंगे यहाँ तक इंद्रावती तक नारंगी तक। तो सबसे पहला क्या है, वंशधारा क्या है, पहला वंशधारा, दूसरा नागवती, पहला वंशधारा दूसरा नागवती, ऐसे नाग है ना, नाग, हाँ नागवती, ठीक है, और तीसरा शारदा, चौथा गोदावरी, और गोदावरी में बली मेला सबरी एंड सिलेरू, गोदावरी में बली मेला सबरी और सिलेरू। और पीछे थोड़ा सा जाए उसका ट्रिब्यूटरीज की बात चले, तो इंद्रावती है, इंद्रावती की ट्रिब्यूटरी क्या है, नागवती है, नारंगी है, नारंगी है, क्या है,
नारंगी है, इंद्रावती की ट्रिब्यूटरी क्या है, नारंगी है। फिर उसमें कतरी है, कतरी है और बंदिया है, क्या है, कतरी है और बंदिया है। ओके नाउ, अब ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, बाएं साइड से जुड़ने वाली है, मतलब ऐसे इधर से जुड़ जाती है यहाँ करके नदी में। अब राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करते हैं, मतलब दाएं साइड से जुड़ने वाली की बात करते हैं। तो ये नदी है, कौन सा नदी है, ये गोदावरी है, इसमें दाएं से जुड़ने वाली नदी, तो इसका नाम है किन्नरसनी। क्या है, किन्नरसनी, किन्नरसनी याद रखना, किन्नरसनी लिख लो, किन्नरसनी। अच्छा, तो बलिमेला, सबरी और सिलेरू के बाद, इंद्रावती, नारंगी के बाद, कोतरी के बाद किन्नरसनी दक्षिण से, मतलब साउथ से, राइट से, है ना, क्योंकि ईस्ट में बह के जा रहे हैं तो इसलिए। ठीक है, अब यहाँ पे लेक वेक कुछ दिख रहा है तो नहीं दिख रहा है जी, रिजर्वायर कुछ दिख रहा है तो नहीं दिख रहा है जी। तो यहाँ से इंद्रावती बहुत काम का था और ये हमने निकाल दिया, ये गोदावरी नदी है ना। अब चलते हैं अगले पेज पे, अगले पेज पे चलते हैं, और अगले पेज पे हमें गोदावरी का कुछ दिख रहा है, ट्रिब्यूटरी वगैरह, तो उसको निकालते हैं। आ जाओ, ये गोदावरी, तो इंद्रावती याद है, हाँ जी इंद्रावती तो हमें याद है। ओके, इंद्रावती याद है, तो अब ये गोदावरी नदी है, ठीक है, गोदावरी नदी है। अब ये किन्नरसनी दिख रहा है, किन्नरसनी, हाँ ये तो दिख रहा है, तो उसके पहले एक और है, देखो क्या क्या है ये, उसके पहले है मनहेर, नहीं मोहेर है, मनहेर नहीं है, मोहेर है, MOHER, मोहेर है, ठीक है, लिख लिया। एक है मांजरा, क्या है, मांजरा, और मांजरा जहाँ से शुरू होता है उस बांध का नाम है निजाम सागर। तो ऐसे दाएं साइड से ले जा करके मिला दो उसमें, ऐसे एक चिन्ह जो खींचो गोदावरी का, इसमें दाएं से ले जा करके मिला दो, इसमें ऐसे से लिख दो कि ये है मांजरा, एक है मोहेर, एक है किन्नरसनी, और मांजरा जहाँ से शुरू होता है ऐसे डिब्बा बनाओ, और ये इसमें लिख दो कि निजाम। अब ये निजाम क्या है, तो निजाम सागर है, और सागर क्या होता है, जिसमें पानी इकट्ठा करता है, समुद्र क्या नाम नहीं है ये, समुद्र कहाँ से आ गया सर, बीचों बीच। अब मांजरा में आकर के एक और ट्रिब्यूटरी मिलती है जिसका नाम है मनार, ठीक है, मांजरा, मानर, ये है मानर, क्या है, मानर। तो ये इसका लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, किसका, तो मांजरा का। तो गोदावरी हो गया, गोदावरी कर देता हूँ वापस, ये है गोदावरी, ये है मांजरा, मानेर, मोहर, किन्नरसनी, ठीक है, और मांजरा जहाँ शुरू होता है वो है निजाम सागर डैम। अब चलते हैं आगे, तो क्या गोदावरी हो गया, धैर्य रखिए, ठीक है, तो क्या गोदावरी सात जो सातमल्ला हिल है वहाँ से जाती है उसके आसपास से, हाँ तो सातमल्ला हिल के आसपास से जाती है, थोड़ा दूर है पर जाती है, और ये है पूरा तेलंगाना का प्लेटियो वाला पार्ट, तो तेलंगाना का ये है बॉर्डर, और ये तेलंगाना के बॉर्डर से सीमा साझा कर रही है ये तो, हाँ कर रही है, इसमें चौंकने वाली क्या बात, अरे हाँ चौंकने वाली बात नहीं है, पर फिर भी मैं ऐसे ही चौंक रहा था थोड़ा बहुत, तो इसको इरेज कर रहे हैं। अब चलते हैं वापस, वापस क्यों जा रहे हैं सर, इतना तो थक गए पढ़ पढ़ के, नो 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 थक के नहीं है अभी, तो वापस से आते हैं, वंशधारा, नागवती, शारदा, गोदावरी, गोदावरी में, ठीक है, बलीमेला, बलीमेला रिजर्वायर से, सिलेरू, सबरी, बलीमेला, सबरी एंड सिलेरू, फिर इंद्रावती, इंद्रावती और नारंगी, इंद्रावती और नारंगी, ये बास्तर प्लेटू से आता है, दंडकारण्य प्लेटू से, है ना, दंडकारण्य से, दंडकारण्य के बास्तर प्लेटू से आता है, अब दंडकारण्य में बास्तर है, ठीक है, अच्छा हाँ ये तो ठीक है, अब तो इतना तो याद ही हो गया कि बलीमेला कहाँ है और नागवती शारदा क्या है और वंशधारा क्या है। ओके, अब आगे वाले पे चलते हैं, जो अभी पढ़े हैं, अभी तो अभी जो पढ़े हैं उसका नाम है मानेर, मांजरा, निजाम सागर से आता है मांजरा, और मोहेर। अब
किन्नर सन। ठीक है, अब आते हैं गोदावरी के दक्षिण में, तो उसका नाम है कृष्णा। अरे हाँ, कृष्णा तो सुने भगवान भी है ना। हाँ, तो कृष्णा नदी भी है ना। और कृष्णा नदी कैसे चलती है, तो इसको देखने के लिए हमको इसको थोड़ा ऐसे करना पड़ेगा, ऊपर करना पड़ेगा, और इसको थोड़ा जूम भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अब दूसरे पेज पे, सामने वाले पेज पे बनाइए कृष्णा, ऐसे कृष्णा। और ये है बे ऑफ बंगाल, कहाँ जाकर गिर रही है, बे ऑफ बंगाल में, और गिरते समय ये बट जाती है। ठीक है, कृष्णा का माउथ है, कृष्णा और गोदावरी, गोदावरी जहाँ लिखे हैं ना, और जो कृष्णा जहाँ लिखे हैं उसके बीच में एक लेक है जिसका नाम है कोल्लेरू। क्या नाम है? कोल्लेरू नाम है। और ये कोल्लेरू लेक किसी भी नदी से द्वारा ना पानी ले जाती है ना किसी भी नदी को पानी देती है। देख लो यहाँ पे, ना तो गोदावरी में था ये, ना तो कृष्णा में टच कर रहा है। ओके, और ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है क्या सर? तो मतलब क्या, मैं तब से क्या पढ़ा रहा था कि मतलब कर्नाटक पढ़ा रहा था? नहीं, मैं मजाक कर रहा था ऐसी, है ना। हाँ ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब जो ईस्टर्न घाट वाले नदियाँ लिख रहे थे, तो सबसे पहले क्या लिखे थे, सबसे पहले लिखे थे वंशधारा, दूसरा नागवती, तीसरा शारदा, चौथा गोदावरी, उसके नीचे लिखो कोल्लेरू, कोल्लेरू लेक, ठीक है, फिर कृष्णा रिवर, फिर उसके लिखो गुंटूर, उसके नीचे नीचे ऐसे लाइन से, लाइन से ऐसे ऐसे लिखते जाना है ना, फिर लिखो गुंडला, फिर लिखो पल्लेरू, फिर लिखो मन्नेरू, फिर लिखो पेल्लेरू, फिर लिखो नेल्लोर। ठीक है, फटाफट स्पीड में, है ना। ठीक है, वापस से करो, वापस से करो। वंश धारा, वंश धारा, धारा बह रही है ना, किसका? वंश का। वंश धारा, नागवती, नागवती, शारदा, गोदावरी, फिर कोल्लेरू, कोल्लेरू, कृष्णा, कृष्णा, गुंटूर, गुंटूर, गुंडला, गुंडला, कन्नौर, क्या है, कमुना। अरे भाई, ये कमुना मैंने पहली बार सुना है, पर मुझे गुंडला याद था बस। ठीक है, तो गुंडला है ना, गुंटूर, गुंडला, कृष्णा, गुंटूर, गुंडला, पल्लेरू, मन्नेरू, पेन्नेरू, नेल्लोर, है ना। अब आगे स्वर्ण रेखा है झारखंड में और उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में और उड़ीसा से बॉर्डर शेयर कर बनाता है ना, पर जो नेल्लोर है, पेन्नेरू रिवर है, उसके नीचे नेल्लोर है, नेल्लोर पेन्नेरू रिवर के जस्ट टच करता है, उसके नीचे स्वर्णमुखी, ये स्वर्ण रेखा है झारखंड वाला, और ये है स्वर्णमुखी, और सुवर्णवती कावेरी का ट्रिब्यूटरी है। तो ये स्वर्णवती, स्वर्ण रेखा और स्वर्णमुखी में थोड़ा डिफरेंस बना कर रखना है। तो लिखो कि ये कृष्णा रिवर है, ये ईस्ट, जो ईस्ट वाले पेज लिख रहे थे उस पर, फिर गुंडला है, फिर पल्लेरू है, मन्नेरू है, पेन्नेरू है, पल्लेरू, मन्नेरू, पेन्नेरू। अरे भाई साहब, ये तो बड़ा हार्ड है सर। हाँ थोड़ा सा है, पहली बार सुन रहे हो ना जी, जीवन में कभी सुने थे कि गुंडला क्या होता है, पल्लेरू मन्नेरू क्या होता है? नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पे है ना, नागार्जुन सागर किस पे है? हाँ ये तो दिख रही है, कृष्णा नदी पे है। आ जाओ, कृष्णा नदी पे है तो नागार्जुन सागर से पहले तीन चार नदियाँ आकर के इसमें मिलती हैं। वो पन्नेरू मन्नेरू इसमें फ़र्क मत कर लेना कि अरे वो तो एक ही जैसे लग रहे थे, है ना। ठीक है, एक ही जैसे हैं पर एक ना है, अलग अलग है। क्या बात कर रहे हैं, अलग अलग है क्या? मतलब पल्लेरू जो नदी बह रही थी यहाँ पे, वो पल्लेरू अलग, यहाँ इसकी ट्रिब्यूटरी भी है, मतलब दो दो नदियाँ हैं क्या? हाँ दो दो है। तो सबसे पहले आता है मुनेर, ठीक है, सबसे पहले आता है मुनेर, और ये कहाँ से शुरू होकर के आता है? तो पखल लेक से। अरे सर, पखल तो हमारे यहाँ पत्थल को बोलते हैं। हाँ तो वही रख लो, ये है PAKHAL, पखल लेक से शुरू होकर के आता है क्या? मुन्नेरू। ठीक है, मुन्नेरू कहाँ शुरू होकर के आता है? पखल लेक से। तो ये सबसे शुरुआत में जुड़ने वाला, इधर 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 से अंत में जुड़ने वाला है ना, उसके पहले जुड़ने वाला है पल्लेरू।
ये पलेरू जो इसके नीचे पड़े हैं ना, गुंडला के नीचे पलेरू, ये ठीक है। तो बोले गुंटूर जो है वो गोदावरी नदी के नज़दीक है कृष्णा से ज़्यादा, तो क्या करोगे बताओ उसका? अगर कोई ऐसा बोल दे कि गुंटूर जो है वो कृष्णा से ज़्यादा इस गोदावरी नदी के नज़दीक है, गोदावरी देखो कहाँ से बह रही है, यहाँ से बह रही है ना, और कृष्णा कहाँ से बह रही थी, यहाँ से बह रही है। तो बोले गोदावरी नदी, गुंटूर जो है वो गोदावरी के ज़्यादा नज़दीक है एज़ कम्पेयर टू कृष्णा, तो फिर उसका क्या करोगे? इस जन्म में उसको जिंदा नहीं छोड़ना, अगले जन्म में रहने देना, पर इसमें नहीं छोड़ना। नाव आगे चलते हैं। तो मन्नेरू देख लिए, पखल्लेक देख लिए, पल्लेरू रिवर देख लिए, ठीक है। अब ये पलेरू देखो दो है, एक है पलेरू, एक है पलेरू, एक आकर के मुनेर में मिल रहा है, एक इंडिपेंडेंट जुड़ रहा है, ठीक है। एक है मुसी, मुसी मुसी मुसी, ठीक है, मुसी रिवर है, ये भी आकर के जुड़ रहा है कृष्णा में। तो मुसी पलेरू मनेरू, मुसी पलेरू मनेरू, मुसी पलेरू मनेरू, मनेरू में पकड़ याद रखना, ठीक है। अब एक है हलिया, हलिया रिवर। अब ये हलिया रिवर कहाँ से आता है? तो हैदराबाद से आता है, ये है हैदराबाद का लोकेशन, और हलिया हैदराबाद से हलिया आता है। अब ये चारों नदी के पहले जुड़ता है नागार्जुन सागर, यहाँ से नागार्जुन सागर से कृष्णा पार होती है, उसके बाद ये या तो हलिया जुड़ेगा, मुसी पलेरु मन्नेरु है ना, पर कोलेरू रिवर का कोई संबंध कृष्णा से नहीं है, कोलेरू कोलेरू लेक का कोई संबंध कृष्णा से नहीं है, कोई संबंध नहीं है कृष्णा से। सर ये बार बार बता रहे कुछ बात है क्या? नहीं कुछ बात है नहीं, बस इस बार यूपीएससी दे के पूछ दिया कि बताओ कोलेरू लेक, पलनेरू लेक और मन्नेरू लेक में तीनों कौन सा, और उसी में कौन सा कृष्णा से नहीं है, तो मज़ा आ गया। नाउ अब आते हैं और पीछे, नागार्जुन सागर से धीरे धीरे पीछे। अभी तो सिर्फ लेफ्ट वाले पढ़ रहे हैं, लेफ्ट बैंक का जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसको पढ़ रहे हैं। ये देखो ये कृष्णा रिवर यहाँ से शुरू हो रहा है, तो दोनी रिवर याद रखना है ना, दोनी, ये भी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, दोनी रिवर कृष्णा की है। यहाँ पे भीमा, भीमा रिवर दिख रहा है, भीमा भी ट्रिब्यूटरी है, किसका है? तो कृष्णा का है। अब राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में आ जाओ, तो यहाँ पे है घट्टप्रभा, बोलो GHATTA, घट्टप्रभा मलप्रभा, ठीक है, और तुंगभद्रा। घट्टप्रभा बोलो जोर से, मलप्रभा तुंगभद्रा जोर से बोलो, घट्टप्रभा मलप्रभा तुंगभद्रा, ये दाएं से जुड़ रही हैं इसमें। अब ये देख लो ये पहले वाला है ना, इसके पहले कोई नहीं दाएं से जुड़ रहा है कृष्णा में, अन्यथा बोल मत देना कि आखिरी वाला जो नदी जो जुड़ता है कृष्णा में वो है फलाना, फिर बेहोशी आएगा तुम। अच्छा, ये तुंगभद्रा नदी आती कहाँ से? तो उसके तुंगभद्रा रिजर्वायर है, वहाँ से तुंगभद्रा नदी आती है, ओके। और ये डायरेक्ट कृष्णा में जाकर के मिलती है कि किसी के ट्रिब्यूटरी बनती है? नहीं, डायरेक्ट कृष्णा में जाकर के मिलती है। अब इसको मिटाते हैं, घट्ट प्रभा याद हो गया, मल्ल प्रभा याद हो गया, तुंगभद्रा याद हो गया, हाँ जी। अब ये जो भीमा है इसके पहले तीन नदियां आकर के मिलती हैं इसमें, एक का नाम है नीरा, बोलो नीरा, नीरा, अरे जोर से बोलो नीरा, मान सीना, बोलो एक एक नदी, दूसरा नदी, तीसरा नदी, नीरा मान सीना और भीमा, ये आकर के कृष्णा मिलती है। उसके पहले आती है डोनी, क्या आती है? डोनी। तो घट्टप्रभा मल्लप्रभा तुंगभद्रा, पता चल गया, घट्टप्रभा मल्लप्रभा तुंगभद्रा जी, नीरा मान सीना, पता चला, नीरा मान सीना, लिखते जाना, नीरा मान सीना लेफ्ट वाला है और घट्टप्रभा मल्लप्रभा तुंगभद्रा राइट वाला है, दायां वाला, दायां से जुड़ रहा है कृष्णा में। अरे ये लेफ्ट राइट करके तो और कन्फ्यूज़ कर दिए। हाँ, तो ऐसे ही पूछेगा कि लेफ्ट कौन सा है, राइट कौन सा है। अरे बाप रे, बड़ा भारी एग्ज़ाम है भैया, भारी ना है पर पढ़ो तो क्या भारी है। अब आता है बारी किसका,
तो चिक होगेरिका और हागारी हागोरिका, ठीक है, चिप हागेरी और हागरी, ये दो नदियाँ हैं। ये आकर के मिलती हैं तुंगभद्रा में। किस में आकर के मिलती हैं? तुंगभद्रा में। पहले चिक हागारी आकर मिलती है, फिर हागारी डायरेक्ट आगे जाती हैं तुंगभद्रा से मिलने के लिए। तो ये दो नदियाँ हैं, चिक हागारी और हागारी। अब चिक हागारी का क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि हागारी पहले इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन अब यहाँ पे एक सागर है जिसका नाम है विन विलास सागर। ये विन विलास सागर तुंगभद्रा से रिलेटेड है, मतलब तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली होगारी से रिलेटेड है और इनडायरेक्टली तुंगभद्रा से रिलेटेड है। अच्छा, तो ऐसा है इसलिए पढ़ना पड़ रहा है। हाँ, ऐसा है इसलिए पढ़ना पड़ रहा है, अन्यथा कहाँ ज़रूरी था। ठीक है, नाउ कृष्णा को अब हम और देखेंगे आगे, अभी कृष्णा को यहीं रुकते हैं। तो ये दिख गया, इतना शायद इतना दिख गया होगा। अब ये देखो शेषाचलम हिल है, और ये शेषाचलम हिल कहाँ दिख रहा है? अरे सर, ये तो लग रहा है कि ये आंध्र प्रदेश है और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर शेषाचलम हिल। हाँ, तो बिल्कुल सही दिख रहा है कि आंध्र प्रदेश है और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर है शेषाचलम हिल। ठीक है, पालकोंडा रेंज, वेलिकोंडा रेंज एंड अभी मैंने बोला था कि नल्ला मल्ला, नल्ला मलाई हिल्स है ना, एर्माकुलम, एरावाकुलम, रायल सीमा, सब आंध्र प्रदेश में दिख रहा है ना। अरे हाँ, सही बोले, ये तो शेषाचलम भी आंध्र प्रदेश में दिख रहा है, रायल सीमा भी, पालकोंडा, नल्ला मल्ला, वेलिकोंडा, एर्माकुला, और ये क्या है, एरामाकुलम, एरामल्ला है ना, ये एर्माकुलम रेंज है। ठीक है, नाउ अब चलते हैं आगे, और आगे चलते हैं और इसको करते हैं जूम। बड़ा लफड़ा है भाई। तो तुम्हें ये वंशधारा महेंद्रगिरी याद होगा, याद है? हाँ, ये तो याद है तुम्हें। ये नयागढ़ हिल याद होगा, हाँ ये तो याद है तुम्हें। ये कोंडामल हिल याद होगा, हाँ तो ये तो याद है। क्या ये आंध्र प्रदेश? नहीं, ये तो उड़ीसा है। अच्छा, तो ये उड़ीसा है, तो उड़ीसा में ये पुरी आता है, पुरी याद है, जगन्नाथ पुरी और ये सब करके है ना। हाँ, ये तो पूरी कोस्ट याद ही है हमें, और उड़ीसा में ही चिल्का लेक आता है, ये भी याद होगा। हाँ याद है, तो लिख लो कि वंशधारा जो रिवर है उसके ऊपर अब पूरी कोस्ट लिख देना, ऐसे कोस्ट करके पूरी कोस्ट कर देना, और वहाँ पे लिखना चिल्का प्लेन, चिल्का लेक। ठीक है, और चिल्का लेक और वंशधारा के बीच में लिखना रुशिकुलिया रिवर, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, रुशिकुलिया रिवर। वंशधारा से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या? हाँ, वंशधारा से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रुशिकुलिया रिवर और चिल्का लेक, और चिल्का लेक में रुशिकुलिया नहीं जाती है, और ये उड़ीसा से शुरू होकर के कोस्ट पे ख़त्म हो जाती है। आंध्रा में जा रही है क्या रुशिकुलिया? नहीं जा रही है आंध्रा में, तो जब नहीं जा रही तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। पूछेगा क्या कि रुशिकुलिया रिवर गोज़ टू चिल्का लेक, फेड फेड ऐसे लिखता है, रुशिकुलिया रिवर फेड चिल्का लेक फेड। अरे ये तो उड़ीसा में ही है, चिल्का लेक भी उड़ीसा में है, पानी की कमी होता होगा चिल्का लेक में तो भरता होगा, लगून लेक है चिल्का है ना। अच्छा हाँ, सॉरी, भारी मिस्टेक हो जाता अभी है ना। हाँ, तो ऐसे भारी मिस्टेक से बचना है तो लिखो कि वंशधारा, उसके ऊपर लिखो रुशिकुलिया है ना, लिख लिए। हाँ, तो रुशिकुलिया के ऊपर लिखो चिल्का, मतलब पहले चिल्का लिखो फिर वंशधारा लिखो, उसके बीच में लिखो कि रुशिकुलिया जा रही है, दोनों में से किसी से उसका कोई लेना देना नहीं है, इंडिपेंडेंट है, ना तो उसमें कुछ आ रही है ना तो उससे कुछ जा रही है। ओके, अब इसको और इधर करते हैं, आ जाओ भैया, आ जाओ। तो यहाँ तक हमने तीन नदी देख लिया, गोदावरी देख लिया, कृष्णा देख लिया, और कुछ जो ईस्टर्न कोस्ट वाली नदियाँ हैं उनको देख लिया, कुछ उनसे रिलेटेड झील वगैरह लेक वगैरह देख लिए हमने,
कुछ हिल्स जो उनसे रिलेटेड है वो देख लिया हमने, और थोड़ा बहुत हिल्स जो छूट गया है जैसे बाग रिवर है ये छूट गया है, ये सब तो देख लेना है। ठीक है, सो नाउ अब हम महानदी को देखेंगे अगले वीडियो से। और महानदी रह गया है, नर्मदा रह गया है, कावेरी रह गया, ये तीनों नदियों को हम अगले लेक्चर में देखेंगे। अभी का वीडियो लगभग 44 मिनट का हो गया है, सो अभी के लिए इतना ही। तो ज़ोर से बोलिए हरे कृष्णा टू एवरीवन, एंड हरे कृष्णा है ना। सो थैंक यू सो मच।